आज का है वीडियो लेक्चर योग के प्रमाणिक ग्रंथ योग सूत्र के ऊपर है। और योग सूत्र में जो समाधि का वर्णन दिया गया है, आज हम उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इस योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम योग सूत्र में अपने प्रथम अध्याय में चित्त एवं उसकी वृत्तियों का वर्णन किया है। उसके बाद चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का उपाय बताते हैं, योग मार्ग में आने वाले विघ्नों का वर्णन करते हैं, उपायों के फलस्वरूप जो अवस्था प्राप्त होती है उसका वर्णन करते हैं। योग अभ्यासियों को निरंतर व नियमित अभ्यास करने पर अलग अलग स्तर पर अनुभव होते हैं और वो अनुभव बहुत सारे योगियों को भ्रमित भी कर देते हैं। ऐसी ही स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम समाधि शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि क्या होता है। समाधि दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम और आधि। सम का मतलब होता है समानता, यानी कि बराबर या समान हो जाना। आधि का मतलब है मन की अस्थिरता। इस प्रकार जब चित्त की कोई भी वृत्तियां शेष न हो, केवल शांति ही शांति हो तथा वे निश्चित स्थिरता अनवरत रूप से बहने लगे, तो उसे समाधि की अवस्था कहा जा सकता है। अर्थात समाधि का मतलब है मन की स्थिरता या मन की स्थिति में समानता आ जाना और वह निरंतर समय तक बनी रहे, तो ऐसी अवस्था को हम समाधि कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने तीसरे अध्याय में तीसरा सूत्र दिया है जो समाधि के संबंध में है। वो कहते हैं, तदेवर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य भिव समाधि। अर्थात ध्यान के समय जब केवल लक्ष्य की ही प्रतीति होती है, सब का स्वरूप शून्य हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि कहलाती है। तब वही ध्यान क्या हो जाता है? समाधि हो जाता है। समाधि के जो रूप हैं, जो उसके भेद हैं, वो महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार बताए हैं। जो समाधि है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा जाता है और असंप्रज्ञात समाधि को ठीक इसका विपरीत निर्बीज समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि। वहीं असंप्रज्ञात जो कि निर्बीज समाधि है, के दो रूप हैं, भाव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय। जो पहली समाधि की अवस्था है संप्रज्ञात, जिसे सबीज समाधि भी कहते हैं, और उसकी भी जो पहली अवस्था है वितर्कानुगत समाधि, इसके दो भेद होते हैं, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि। इसी प्रकार जो विचारानुगत समाधि है उसके भी दो भेद होते हैं, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। आइए इनके जो भाग हैं उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। संप्रज्ञात समाधि का जो योग सूत्र में पहले अध्याय में 17वां श्लोक दिया है, जो संप्रज्ञात समाधि जो सबीज समाधि है उसके संबंध में है, वो कह रहे हैं कि वितर्क विचार आनंद स्मिता नुगमात संप्रज्ञात। अर्थात अविद्यादि क्लेश नष्ट होने पर संप्रज्ञात समाधि होती है, परंतु अभ्यासी के जो चार प्रकार के संस्कार हैं उनका पूर्ण निरोध नहीं होता, यह सबीज अथवा संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। संप्रज्ञात समाधि में जो ये चार प्रकार के संस्कार हैं वो क्या क्या हैं? वितर्क, विचार, अस्मिता और आनंद। ठीक इसके विरुद्ध संप्रज्ञात समाधि के एकदम विपरीत असंप्रज्ञात समाधि, जिसे हम निर्विज समाधि भी कहते हैं, उसके संबंध में कहते हैं कि वह स्थिति जिसमें सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि कहलाती है। इसमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं रहता, इसलिए निर्बीज समाधि हो जाती है, यह असंप्रज्ञात समाधि है।
संप्रज्ञात समाधि में जो संस्कार रूप सबसे पहली स्थिति है वो वितर्कानुगत है। वितर्कानुगत समाधि के संबंध में अब हम बात करेंगे। पंचभूतों तथा इंद्रियों के भाव के आधार पर जो समाधि होती है वह वितर्कानुगत समाधि होती है। जैसे त्राटक द्वारा सूर्य चंद्रमा में अपने आप को तन्मयता कर सिद्धि प्राप्त करना, समाधि प्राप्त करना, या अपने इष्ट देव में ध्यान द्वारा तन्मयता प्राप्त कर समाधि प्राप्त करना, यह भी दो प्रकार की होती है, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि। यहाँ सबसे पहले की हम बात करेंगे सवितर्क समाधि, जिसका कि योग सूत्र के पहले अध्याय में 42वां सूत्र मिलता है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्क समापत्ति ही। समापत्ति से तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि से ही है। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान के विविध विकल्पों से मिली हुई समाधि सवितर्क समाधि कहलाती है। जैसे गौ शब्द में ध्यान लगाते ही जो चित्त है वो गौ शब्द और गौ शब्द का अर्थ और गौ का से उसका जो जिससे ज्ञान होता है वह तीनों में तदाकार रहे, तब उसे सवितर्क समाधि कहा जाएगा। सवितर्क समाधि, तो सवितर्क का मतलब जो वितर्क के साथ जुड़ी हुई हो। लेकिन वितर्क क्या है? वितर्क अर्थात विशेष तर्क, अर्थात शब्दमय चिंतन, अर्थात जिस समाधि में वितर्क रहता है उसे सवितर्क समाधि कहा जाएगा। विशेष तर्क, तर्क को तो आप अच्छे से जानते हैं, किसी एक बात को उसके अपोजिट बात रख कर यह सिद्ध करना कि वह सही है या गलत, उसे तर्क कहते हैं। लेकिन तर्क कुतर्क और वितर्क भी हो सकता है। कुतर्क तो समय खराब करने के लिए होता है, लेकिन उसका वितर्क जिसमें उसका कुछ विकल्प मौजूद रहता है वह सवितर्क समाधि कहलाती है। अब हम इससे नेक्स्ट निर्वितर्क समाधि के संबंध में बात करेंगे। इसमें जो पतंजलि योग सूत्र में पहले अध्याय में 43वां सूत्र दिया गया है वो क्या दिया गया है देखते हैं। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वर्तिका। अर्थात स्मृति के शुद्ध होने पर अपने रूप से शून्य की तरह केवल अर्थ का भान कराने वाली निर्वितर्क समाधि होती है। दूसरे शब्दों में जब चित्त की एकाग्रता इतनी अधिक हो जाए, शब्द और ज्ञान को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु से तदाकार हो जाए, तब उसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। इस समाधि को ही निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है। ध्यान रहे, निर्वितर्क समाधि को ही निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विकल्प मौजूद नहीं है, इसमें केवल अर्थ का भान कराने वाली समाधि हो रही है। जबकि इससे पहले जो सवितर्क समाधि थी उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों का भान कराने वाली स्थिति थी। यह हमारी वितर्कानुगत समाधि के दो भेद थे। अब हम विचारानुगत समाधि के संबंध में बात करेंगे। अभी हम संप्रज्ञात समाधि के दूसरे पॉइंट पर हैं, विचारानुगत समाधि। एतयेव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। ये योग सूत्र का पहले अध्याय का 44वां सूत्र है। जब स्थूल पदार्थों का साक्षात कर लिया जाए तब सूक्ष्म पदार्थों में सूक्ष्म तन्मात्राओं जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भावनात्मक विचार के द्वारा जो समाधि की स्थिति बनती है वही विचारानुगत समाधि है। जैसे सूर्य में ध्यान के बाद जो समाधि उत्पन्न हो और उसमें भी उसके सूक्ष्म रूप में उसकी तेज गर्मी और उसकी रश्मियों के संबंध में अगर ध्यान व्यक्ति करता है, चिंतन करता है, तो वह विचारानुगत समाधि हो जाती है। सूक्ष्म प्रकृति विषयक चिंतन जिस विचार द्वारा किया जाता है यह वही विचार है जो विचारानुगत समाधि में चल रहा होता है। सविचार एवं निर्विचार दोनों की विचार पदार्थ ग्रहण करके ही सिद्ध होते हैं। जो सविचार है और जो निर्विचार है वो दोनों ही कोई भी विचार जो है वो पदार्थ ग्रहण करके ही सिद्ध होते हैं। इसलिए यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? वो
सविचार, दूसरा निर्विचार। सविचार क्या है? जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश काल और निमित्त के विचार से मिला हुआ तदाकार होकर उसको साक्षात कराए तब सविचार समापत्ति कहलाती है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? निर्विचार, सूक्ष्म साक्षात्कार जिसमें देश काल आदि के अनुभव विकारों से शून्य हो, निर्विचार समापत्ति कहलाता है। इसमें ध्येय सूक्ष्म विषय धर्म मात्र स्वरूप ही को तदाकार होकर प्रकाश करे, वही स्थिति निर्विचार समापत्ति होती है। ये हमारी विचारणगत समाधि के दो भेद थे, सविचार और निर्विचार। सविचार में हम क्या कर रहे थे? सूक्ष्म विषय है, उसके देश काल और निमित्त के विचार से मिला हुआ तदाकार होकर साक्षात कराए तब उसे सविचार कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो सूक्ष्म तत्व में आप ध्यान लगा रहे हैं और धर्म मात्र स्वरूप ही तदाकार हो जाए उसी में ही, जिसमें देश काल और उसकी जो स्थितियां हैं उनसे उससे जो है मन हट जाए, केवल और केवल सूक्ष्म विषय में धर्म मात्र ही तदाकार हो उससे, वही स्थिति निर्विचार समापत्ति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्विचार समाधि में भी एक समापत्ति का फल होता है, जिसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में पहले अध्याय में 47 नंबर का श्लोक दिया है, निर्विचार वैशाराध्य अध्यात्म प्रसाद। वो क्या कहते हैं कि उपरोक्त वर्णित समाधियों में सबसे उत्तम निर्विचार समाधि है। कैसे है? निर्विचार का वैशाराध्य होने से अध्यात्म प्रसाद होता है। अब वैशाराध्य क्या है? सात्विक चित्त का जो रजोगुण व तमोगुण के प्रभाव से रहित निर्मल स्थिति निरंतर बने रहती है वो वैशाराध्य कहलाती है। और इसी वैशाराध्य से जो अध्यात्म प्रसाद हो जाता है उससे क्या होता है? सत्य को धारण करने वाली अविद्या से रहित उसे अध्यात्म प्रसाद के लाभ के बाद जो प्रज्ञा होती है वह रितंभरा प्रज्ञा कहलाती है। यह विशेष शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वैशाराध्य क्या है, रितंभरा प्रज्ञा क्या है। तो रितंभरा प्रज्ञा निर्विचार समाधि से जुड़ी हुई है, जहां पर अध्यात्म प्रसाद होने के बाद ही वह स्थिति योगी को प्राप्त होती है। अभी तक हम संप्रज्ञात समाधि के दो भेद, वितर्कानुगत और विचारानुगत, और उनके दो दो भेदों का वर्णन कर आए हैं। अब हम संप्रज्ञात समाधि जो कि सहबाज समाधि, सहबीज समाधि है, उसके जो दो भेद और बचे हुए हैं उनको जानेंगे। तीसरी है आनंदानुगत। इस स्थिति में विचार शून्यता की स्थिति बनती है, रज व तम लगभग समाप्त हो जाते हैं, केवल बचता है तो सिर्फ आनंद। और आनंद कब होता है? जब मनुष्य सुख और दुख दोनों से ऊपर स्थिति में पहुंच जाता है। सुख भी उसे सुख नहीं पहुंचा सकते और दुख भी उसे दुखी नहीं कर सकता। वह तो अपने ही आत्मा की मस्ती में मस्त रहता है, आनंदित रहता है, उसे आनंदानुगत स्थिति कहते हैं। फिर अस्मितानुगत समाधि की स्थिति वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? वह स्थिति जिसमें आनंद भी समाप्त हो जाता है, साधक अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति करते हुए ही अपने में ही अवस्थित होता रहता है, वह अस्मितानुगत समाधि होती है। यहाँ तक अब हम संप्रज्ञात समाधि के जो चार भेद हैं उन चारों का वर्णन कर पाए हैं। अब हम बात करेंगे असंप्रज्ञात, जिसे हम निर्बीज समाधि कहते हैं, उसके संबंध में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने असंप्रज्ञात समाधि के लिए योग सूत्र में पहले अध्याय में 18वां सूत्र दिया है, विराग प्रत्यय अभ्यास पूर्वा संस्कार से शून्य। अर्थात विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है। इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वह अन्य है। अन्य कौन है?
विराम प्रत्यय अर्थात सर्ववृत्ति निरोध का कारण पर वैराग्य, और पर वैराग्य अभ्यास से चित्त की वृत्तियां शून्य होकर केवल संस्कार मात्र अवशिष्ट अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। चित्त की वृत्तियां सभी समाप्त हो गई हैं और केवल संस्कार मात्र ही उस अवस्था को वह प्राप्त है, वह क्या कहलाती है? असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यह दो प्रकार की होती हैं। इसमें चित्त की वृत्तियां शून्य हो जाती हैं। इसके दो भेद हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय के लिए महर्षि पतंजलि अपने पहले अध्याय में 19वां सूत्र देते हैं। क्या देते हैं? भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लय नाम। विधेय प्रत्यय और प्रकृति लीनों को भव प्रत्यय होता है। अब विधेय कौन है और प्रकृति लीन कौन है, इसे बताते हैं। विधेय देवताओं का भव प्रत्यय होता है, एक यहाँ पर बात कही गई है। जो योगी वितर्क समाधि द्वारा, यानी कि इससे पहले जो संप्रज्ञात समाधि थी उनके द्वारा स्थूल तत्वों का साक्षात कर ले और देह में अहम भाव को प्राप्त कर लिया है, वे विधेय कहे जाते हैं। और जो आगे साधना कर प्रकृति के सब भेदों को जान ले, वह प्रकृति लय कहलाते हैं। यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, विधेय और प्रकृति लय, इन दोनों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। इन स्थितियों को जो प्राप्त कर लेता है वह अपने अगले जन्म में जन्म से ही पर वैराग्य प्राप्त कर विराम प्रत्यय के अभ्यास से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें समाधि प्रयत्न किए बिना मिली या प्रयत्न नहीं करना पड़ा, इसलिए भव प्रत्यय कहा। आपने बहुत से कुछ लोगों को देखा होगा कि वो कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जन्मजात सिद्ध हैं उसमें, या एकदम से ध्यान करने बैठते हैं तो एकदम से ध्यान लग जाता है। उन्होंने पूर्व जन्म में इस तरह के योगाभ्यास किए हुए हैं और कहीं ना कहीं किसी स्थिति में वो पहुंचे हुए होते हैं जिसका लाभ उन्हें अगले जन्म में भी मिलता है। यहाँ से दो बातें और सिद्ध हो जाती हैं कि योग मार्ग में जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ जाता है उसके अगले जन्म में वह वहीं से ही अपनी आगे अगली यात्रा जो है प्रारंभ करता है। और यहाँ से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि महर्षि पतंजलि पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। भव प्रत्यय के बाद अब उपाय प्रत्यय की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ये 20वां सूत्र है पहले अध्याय का, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से अन्य साधकों को असंप्रज्ञात स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात जो लोग जन्म से विधेय नहीं है या प्रकृति ले उन्होंने पूर्व जन्म में नहीं किया है, उन्हें जो है क्या करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय कैसे करते हैं? श्रद्धा वीर्य स्मृति और समाधि व प्रज्ञा के द्वारा जो समाधि की स्थिति को प्राप्त होती है वह भी असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यह शास्त्रों के श्रवण मनन से भी प्राप्त होती है। इसका जो क्रम है वो महर्षि पतंजलि ने बताया है, वो किस प्रकार है कि पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से तत्परता उत्पन्न होती है। जब तत्परता उत्पन्न होती है तो मनुष्य प्रयत्न करता है, प्रयत्न करने से कर्म संस्कार जागृत हो जाते हैं, फिर चित्त एकाग्र होने लगता है, फिर उसमें स्थिरता आ जाती है। चित्त स्थिरता होने से विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है, विवेक ज्ञान से पर वैराग्य मिलता है, और पर वैराग्य जब जागृत हो जाता है तो वहाँ से फिर उसे असंप्रज्ञात समाधि मिल जाती है। इससे पहले जो भव प्रत्यय आपने पढ़ा था, जब मनुष्य जन्म लेता है और उसने पिछले जन्म में योगाभ्यास किया है और उसने स्थूल तत्वों को यानी कि संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली है, तो वह जो एक क्रम इसमें बताया गया है इसमें विवेक ज्ञान या पर वैराग्य वाली स्थिति में उसका जन्म हो सकता है। यहाँ से उसकी यात्रा उसकी बहुत कम हो जाती है, वह तुरंत ही उसका ध्यान लग जाता है, तुरंत वह समाधि को प्राप्त कर सकता है। इससे आगे भी महर्षि पतंजलि ने अपने दूसरे अध्याय में विवेक ख्याति नामक एक स्थिति का वर्णन किया है। इसके बाद इन्होंने 29वें सूत्र में चौथे अध्याय में भी कहा है धर्म मेघ समाधि, और चौथे अध्याय में 34वें सूत्र में भी
एक कैवल्य स्थिति के संबंध में भी बताया है, इनके संबंध में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं विवेक ख्याति। आत्मज्ञान होने से विवेक ख्याति मिलती है। जब योग का अभ्यासी चित्त व आत्मा का ज्ञान पृथक पृथक जान लेता है तो उसे विवेक ख्याति होती है। अविद्या नष्ट होकर चित्त शांत व निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही चित्त में परमात्मा की झलक दिखती है, जैसे जलाशय शांत होने पर चंद्रमा का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। इसके लिए जो सूत्र दिया है पतंजलि योग सूत्र में दूसरे अध्याय में 26वां सूत्र है, वो क्या है? विवेक ख्याति विपलवा हान उपाय, अर्थात विवेक ख्याति ही हान का उपाय है, इससे कैवल्य प्राप्त हो सकता है। हान यानी कि दुख। धर्म मेघ समाधि के संबंध में बात कर लेते हैं, जिसमें योग सूत्र में 4वें अध्याय में 29वां सूत्र दिया है। प्रसंख्याने कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्म मेघा समाधि। जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है। इससे पहले जो आपने विवेक ख्याति सुनी है वो विवेक ज्ञान से हुई थी, और जो विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य कर लेता है उसका विवेक ज्ञान सर्वदा प्रकाशवान होने के कारण उसको धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। अर्थात ऐसा साधक जो विवेक ख्याति की स्थिति में भी राग नहीं करता और साधना को आगे बढ़ाता है, धर्म मेघ समाधि प्राप्त करता है। धर्म मेघ समाधि से अविद्या व उसके मूलक कर्मों का भी सर्वथा नाश हो जाता है। यहाँ कर्मों का भी नाश हो गया है, इसे धर्म मेघ समाधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे कैवल्य की, जो कि योग सूत्र में 4वां अध्याय भी इस नाम से ही है। इसके संबंध में 34वां सूत्र दिया गया है। 4वें अध्याय में क्या कहें? पुरुषार्थ शून्यनाम गुणानाम प्रतिप्रसवहा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठाम वा चित्ति शक्ति रीतिते। अर्थात जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा वह अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। पुरुष कौन है? वह जीवात्मा। और उसके लिए कौन कर्तव्य कर रहा है? त्रिगुण सत रज तम। ये पूरी प्रकृति उन्हीं तीनों गुणों में असमानता से बनी हुई है, असंतुलन से घटित हुई भी है। तो और ऐसी स्थिति को ही कैवल्य कहते हैं। अर्थात कैवल्य वह है जिसमें दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में त्रिगुण सत रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति अपने कारण में विलीन हो जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही कैवल्य है। मैं समझता हूं कि योग सूत्र के अनुसार जो समाधि है और जो उसके भेद हैं, मैंने यहां पर उसका वर्णन कम से कम शब्दों में अच्छे से करने की कोशिश की है, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ सके। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद समाधि से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपको मिलता है तो आप उसे अवश्य ही कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत